नमस्कार, मैं हूं रंजेश चौबे और आप देख रहे हैं एनी न्यूज़। क्रिकेट में हमें सबसे ज़्यादा पसंद दो ही चीज़ें आती हैं, जैसे झमाझम बल्लेबाजी हो या फिर फर्राटा मारती गेंदबाजी, ऐसी गेंदबाजी जो बल्लेबाज के तोते उड़ा दे। बात करते हैं उस दिग्गज की जिसके साथ ट्रेन में ट्रेवल करते करते बाला साहब ठाकरे भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हो गए थे। सिर्फ 19 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले रमाकांत देसाई का नाम इंडियन पेसर में सबसे आगे आता है। पाकिस्तानी लेजेंड हानिफ मोहम्मद का कॉन्फिडेंट भी डगमगा जाया करता था जब वह बॉलिंग करते थे। हालांकि रमाकांत देसाई का करियर बहुत लंबा नहीं चला, सिर्फ 29 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट से को अलविदा कह दिया। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में भी रिटायर होकर उन्होंने अपना काम कर दिया, यानी कि वह नाम कमा चुके थे। साल 1957 में की बात थी जब रुपायल कॉलेज के स्पोर्ट्स इंचार्ज जी के मेनन ने एक दिन उन्हें बढ़िया रनरअप के साथ तेज गेंदबाजी करते हुए देखा। रमाकांत को उस समय उन्होंने नोटिस किया और तुरंत उन्हें अपने कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। रमाकांत की तेज गेंदबाजी देखकर सब मान बैठे थे कि यह जल्द ही इंडिया टीम में खेलेगा। और फिर यह सिलसिला साल 1958 में रमाकांत का शुरू हुआ और उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। पूर्व भारतीय पेसर रमाकांत देसाई को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए याद किया जाता है। तेज गेंदबाज अक्सर लंबे कद के नज़र आते हैं, लेकिन रमाकांत अपने छोटे कद के बीच एक अलग पहचान बनाई थी। बॉम्बे, जो इस समय मुंबई हो गया है, वहां 1939 में 20 जून को जन्मे रमाकांत देसाई को टाइनी देसाई के नाम से भी जाना जाता है। 5 फीट 4 इंच लंबे रमाकांत उस वक्त तेज गेंदबाजों में अपना नाम कमा चुके थे। जब भारतीय बॉलरों को वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी, 28 मैचों के इंटरनेशनल करियर में ही उन्होंने बतौर खिलाड़ी फिर उसके बाद प्रशासक भी काम किया। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने कार्यकाल में कप्तानी सौंपी, हालांकि उन्हीं के कार्यकाल में ही सचिन तेंदुलकर से फिर कप्तानी वापस ले लिया गया था। CCI यानी कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट 11 के साथ रमाकांत देसाई वेस्टइंडीज के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और इस डेब्यू में रमाकांत ने गदर काट दिया। उन्होंने अपने पहले 5 में से 3 विकेट बोल्ड करके निकाले, फिर दूसरी पारी में उन्होंने अपने नाम 3 विकेट किए। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर से पहले पाकिस्तान के लेजेंडरी ओपनर हानिफ मोहम्मद को लिटिल मास्टर कहा जाता था। हानिफ मोहम्मद के कई सारे किस्से भी फेमस हैं और इन्हीं तमाम किस्सों के बीच एक बात कॉमन है कि हानिफ मोहम्मद बहुत ही कमाल के बल्लेबाजी करते थे। लेकिन सुपरमैन क्रिप्टोनाइट की तरह हानिफ के भी लाइफ में एक क्रिप्टोनाइट था और इस क्रिप्टोनाइट का नाम रमाकांत देसाई था। साल 1916 से 61 के बीच पाकिस्तान की टीम 5 टेस्ट खेलने इंडिया टूर पर आई। हानिफ ने इस सीरीज़ में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, लगभग उन्होंने 410 रन बनाए थे। लेकिन इस फॉर्म के बावजूद भी रमाकांत की बाउंसर ने उन्हें बहुत परेशान किया। रमाकांत ने इस सीरीज़ की 9 पारियों में हानिफ को 4 बार आउट किया और सीरीज़ ख़त्म होते होते हानिफ को एक नया नाम मिल गया, रमाकांत का बकरा। रमाकांत की क्रिकेट जर्नी शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का भी अहम रोल था। साल 1960 में जब वह साथ में यात्रा किया करते थे, तब उनके साथ कई लोग रहा करते थे, जैसे बाला साहब ठाकरे, मंत्री माधव और रमाकांत देसाई साथ मिलकर दादर से 4 गेट साथ में यात्रा किया करते थे। और इस दौरान होने वाली चर्चाओं से बाला साहब के अंदर क्रिकेट प्रेम जाग पड़ा। इन्हीं चर्चाओं के चलते बाला साहब ठाकरे को क्रिकेट का अच्छा ज्ञान भी हो गया था। कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे के अंदर क्रिकेट प्रेम जगाने वाले रमाकांत देसाई ही थे। और ऐसा भी माना जाता है कि रमाकांत देसाई बाला साहब ठाकरे के सबसे पसंदीदा क्रिकेटर भी थे। ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई रोचक कथाओं के साथ हम आपके सामने बने रहिए एनी न्यूज़ के साथ।